माइनक्राफ्ट। लेकिन आज मैं करने वाला हूँ पोकेमॉन के वर्ल्ड का न्यू चैलेंजेस, और ये चैलेंज का नाम है चूज द होल चैलेंज। और ये चैलेंज में हमें किसी भी होल को चूज करना है, और उस होल के अंदर होगा एक फंसा हुआ पोकेमॉन, और फिर हमें उस पोकेमॉन को कैप्चर करना होगा। और ये वीडियो में मेरा साथ देने वाले पोकेमॉन चैंपियन लियोन। और गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और गाइस, कमेंट में बताओ ये कौन सा पोकेमॉन है, और देखते हैं इसका आंसर किसे पता है। वेलकम बैक गाइस, और मैं हूं आपका दोस्त टेक्नोबीट। तो आज अपने साथ ही पोकेमॉन चैंपियन लियोन। और आपको पता है लास्ट में पोकेमॉन चैंपियन कौन बनता है? हाँ, मैं ऐश की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐश तो नहीं है। तो इस बार का पोकेमॉन चैंपियन बनने वाला है टेक्नोबीट। मैं आ जाऊँ क्या अपनी पर? अरे, मैं मजा कर रहा था, लेकिन इस बार देखते हैं हम दोनों में से यहाँ पे कौन जीतता है। और गाइस, अगर मैं इस चैलेंज में हार गया तो आपको मुझे कोई चैलेंज देना होगा, और वो चैलेंज को मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे पूरा करूंगा। कोई भी चैलेंज दे सकते हो, लेकिन फेसिविल को छोड़ के। और चैलेंज के अंदर आप लियोन को हराने का चैलेंज भी दे सकते हो। तो चलो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए गेम के टॉपिक में आते हैं। और गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे फर्स्ट चैलेंज के अंदर, और यहाँ पे हमें पोकेमॉन की जनरेशन के गेम को गेस करके इनकी पोकेमॉन को कैप्चर करना होगा। और सच बताओ कि मैंने बचपन से ही सारे पोकेमॉन के गेम खेले वाले, तो ये चैलेंज तो मेरे लिए बहुत ही इजी होने वाला है। और यहाँ पे हमारे सामने है तीन होल, और पता नहीं यार यहाँ पे लियोन किस होल को चूज करने वाला है। और इनके कलर देखने के बाद पता लगता है कि ये जनरेशन 1 के पोकेमॉन हो सकते हैं। तो ये शायद जेन 1 का गेम है, जैसे कि ये फायर रेड, और फायर रेड में बस एक ही पोकेमॉन पॉपुलर हुआ है, और वो है अपना चारिजार्ड। और फाइनली लियोन ने चूज किया है ऑरेंज कलर वाले होल को, और यहाँ पे उसे मिला है मेरा फेवरेट पोकेमॉन चारिजार्ड। और अभी लियोन के पास उसका फेवरेट पोकेमॉन आ चुका है, तो इसका मतलब इसके अंदर हो सकता है अपना वेनुसर पोकेमॉन, और इसके अंदर ब्लास्टोइस। तो वेनुसर था लीफ ग्रीन की पोकेमॉन जो कि कुछ काम का नहीं था, तो शायद से मुझे ब्लास्टोइस को चूज करना चाहिए, और इससे मैं उसकी चारिजार्ड को हरा भी सकता हूँ। और मैं जल्दी आकर ब्लू के अंदर कूद जाता हूँ, और यहाँ मुझे मिलता है ब्लास्टोइस, और मैंने बिना टाइम वेस्ट किए इस पोकेमॉन को पकड़ लिया। और गाइस, लगता है कि मुझे लियोन को हराने का एक चांस तो मिल ही चुका है, तो इसका मतलब ग्रीन के अंदर है वेनुसर पोकेमॉन। और चलो पहुंचते हैं हमारे सेकंड वाले होल के पास। और गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे सेकंड वाले चैलेंज में, और मैं नहीं चाहता कि लियोन को यहाँ पे कोई अच्छा पोकेमॉन मिल जाए। और अगर ये जनरेशन की 2 के गेम है तो शायद इसके अंदर जोटो रीजन के पोकेमॉन होंगे। और गाइस, देख के लगा कि ये गोल्ड है, और ये सेकंड वाले होल में है सिल्वर, और पता नहीं यार जोटो में कोई लेजेंडरी पोकेमॉन रेड कलर का है या नहीं। और मुझे लगता है कि शायद से मुझे गोल्ड एंड सिल्वर में से किसी एक को चूज करना चाहिए। पोकेमॉन के गेम में शाइनी गोल्ड और सोल सिल्वर था, लेकिन रेड कलर वाले पोकेमॉन में क्या था वो तो पता नहीं। और इसे कई टाइम वेस्ट करने के बाद फाइनली लियोन ने चूज किया है गोल्ड कलर वाले होल को, और देखते हैं इसे कौन सा पोकेमॉन मिलता है। और गाइस, और इसे मिला है हो पोकेमॉन, और सच में यार हो पोकेमॉन बहुत ही बेस्ट पोकेमॉन है। और मेरे सामने सिल्वर ब्लॉक और रेड कलर का ब्लॉक, और शायद से सिल्वर के अंदर होगा एक लुगिया पोकेमॉन, और पता नहीं है रेड के अंदर कौन सा पोकेमॉन हो सकता है। और मुझे लगता है कि मुझे रेड को ही चूज करना चाहिए, और फिर मैं जल्दबाजी में रेड कलर वाले होल को चूज करता हूँ। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? और सच में यार पता नहीं था कि मुझे दुनिया का सबसे बेकार पकवान मिलने वाला है। और मैंने इसी बेकार पकवान को मास्टर बॉल की हेल्प से पकड़ लिया, और इसका मतलब ये था कि मुझे ये वाले होल को चूज करना चाहिए था। चलो कोई नहीं गाइस, मेरे साथ ऐसा होते रहता है, और चलो पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट वाले होल के पास। और गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे थर्ड वाले चैलेंज के पास, और यहाँ पे जनरेशन 3 यानी होय रीजन के पोकेमॉन मिल सकता है। और अगर गेम की बात करें तो ये होगा एमराल्ड वाला, जिसके अंदर रैकवाजा होगा। तो शायद से रेड के अंदर होगा रूबी पोकेमॉन यानी अपना ग्रोडन। तो अगर ब्लू की बात करें तो शायद से ये गेम होगा सैफायर ब्लू, और इसके अंदर होगा अपना वॉरेटर पोकेमॉन कायोग्रे। और पता नहीं गाइस लियोन को गेम के नॉलेज होगा या नहीं। और यहाँ पे लियोन ने चूज किया है ग्रीन कलर वाले होल को, और यहाँ इसे मिला है ग्रीन कलर का रैकवाजा। और सच बोलूं कि ये पोकेमॉन दुनिया का सबसे बेस्ट पोकेमॉन है, और मेरे सामने रेड कलर और ब्लू कलर का होल, तो शायद से रेड के अंदर होगा ग्रोडन पोकेमॉन, और शायद ब्लू में होगा कायोग्रे। लेकिन ये दोनों पोकेमॉन रैकवाजा को हरा नहीं सकते, तो मैंने जल्दी से चूज किया ब्लू वाले होल को, और यहाँ पे मैंने जल्दी से मास्टर बॉल की हेल्प से कायोग्रे को पकड़ लिया। और चलो गाइस, पहुंचते हैं हमारे फोर्थ वाले होल के पास। और फाइनल गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे फोर्थ वाले चैलेंज के पास, और लगता है कि इसके अंदर हो गया हमारे सिनो रीजन के पोकेमॉन। और होइन के बाद सिनो रीजन ही आता है। और अगर गेम की बात करें तो इसके अंदर होगा पल पोकेमॉन यानी पालकिया, और शायद से इसके अंदर होगा डायमंड पोकेमॉन यानी डेल्गा, जो कि सबसे बेस्ट ड्रैगन टाइप पोकेमॉन है। और अगर नेक्स्ट की बात करें तो इसके अंदर होगा प्लैटिनम पोकेमॉन यानी गिरिटिना। और पता नहीं यार उन्होंने गेम का नाम प्लैटिनम क्यों दिया था। और मुझे लगता है कि शायद लियोन चूज कर सकता है डेल्गा या पालकिया में से किसी एक को। और पता नहीं यार लियोन का फेवरेट पोकेमॉन सिनोजन में क्या होगा। और कई टाइम वेस्ट करने के बाद लियोन ने चूज किया है पिंक वाले होल को, और रखी गाइस लियोन के पास हो चुका है अभी पालकिया पोकेमॉन। और पता नहीं मुझे इन दोनों होल के अंदर कौन सा पोकेमॉन चूज करना चाहिए, क्योंकि डेल्गा पोकेमॉन भी पालकिया को हरा सकता है, और गिरिटिना भी, और गिरिटिना पोकेमॉन भी डेल्गा से जीत सकता है। और मुझे लगता है कि शायद से मुझे गिरिटिना को चूज करना चाहिए, और मैंने जल्दी से चूज किया है ब्राउन कलर वाले होल को, और यहाँ मुझे मिला है गिरिटिना पोकेमॉन, और यहाँ पे मैंने इसे मास्टर बॉल की हेल्प से पकड़ लिया। और चलो गाइस, पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट वाले होल के पास। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर है डेल्गा पोकेमॉन। और गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारे सेकंड लास्ट वाले चैलेंज के अंदर, और यहाँ पर है ब्लैक एंड व्हाइट वाले गेम के पोकेमॉन, और यहाँ पर इसके अंदर शायद से रेशिराम या जैकराम हो सकते हैं।
लेकिन जल्दी जल्दी में लियो ने चूज किया है व्हाइट कलर वाले होल को और यहाँ से मिला है फायर टाइप पोकेमोन रेशिडाम जो कि बेस्ट पोकेमोन है और इसका मतलब है कि मुझे यहाँ पे चूज करना होगा ब्लैक वाले पोकेमोन को और दूसरे में भी ब्लैक है और गाइस लगता है कि ये थोड़ा डार्क ब्लैक है और ये वाला देखना पड़ेगा और ये थोड़ा सा ही ब्लैक है और पता नहीं इन दोनों में से किसके अंदर जैक्रोम हो सकता है और गाइस कुछ ज्यादा ही कंफ्यूज होने की वजह से मैंने चूज किया है ये वाले ब्लैक को और यहाँ पे मुझे मिला है राइहॉर्न पोकेमोन। अरे यार मुझे लगा कि यहाँ पे जैक्रोम या कायरू में से कोई तो होगा और इसे मैंने जल्दी से कैप्चर कर लिया और चलो पास से हमारे लास्ट वाले होल के पास और गाइस अब हम आ चुके हैं हमारे लास्ट वाले चैलेंज के अंदर और शायद से इसके अंदर एक्स एंड वाई वाले पोकेमोन मिल सकता है और कलर को देख के लगता है कि शायद से इसके अंदर लेजेंडरी के साथ साथ कोई मिथिकल पोकेमोन भी होगा और कई टाइम वेस्ट करने के बाद लियो ने चूज किया है रेड कलर वाले होल को और यहाँ पे इसे मिला है यवटेल पोकेमोन जो कि एक खतरनाक पोकेमोन भी है और यहाँ पे मेरे सामने भी दो ही होल थे और शायद पर्पल के अंदर मुझे जेनस मिल सकता है और इसका मतलब है कि ग्रीन के अंदर होगा जायगेट पोकेमोन जो कि मेरा फेवरेट है और मैंने जल्दी से ग्रीन को चूज कर लिया और यहाँ पे मुझे जायगेट का 100% वाला फॉर्म मिला है और गाइस और ये रहे मेरे खतरनाक पोकेमोन की टीम। बस ये स्टार्टिंग के दोनों को छोड़ के और चलो गाइस पहुंचते हैं हमारी पोकेमोन बैटल के अंदर और गाइस अब हम पहुंच चुके हैं हमारी पोकेमोन के बैटल के अंदर और हमारे सामने लियोन और उसके खतरनाक पोकेमोन और ये फर्स्ट मैच के अंदर मैंने सेंड किया मेरे सबसे खतरनाक पोकेमोन मैजिक आपको शायद से ये चार्जर को हरा सकता है लेकिन मैजिका के पास कोई भी अटैक नहीं था और इसलिए लियोन के खतरनाक चार्जर ने मेरे मैजिका पोकेमोन को हरा दिया और यहाँ मैं सेंड किया मेरे सबसे पावरफुल पोकेमोन कायोगरी को और कायोगरी के एक ही अटैक से चार्जर पोकेमोन फेंट हो गया और फिर तभी लियोन ने सेंड किया अपने सबसे पावरफुल पोकेमोन होहो को लेकिन ये बैटल के अंदर कायोगरी को एक भी अटैक नहीं लग रहा था और कायोगरी के सर्फ अटैक से उसका पोकेमोन फेंट हो गया और इसलिए लियोन ने सेंड किया अपने सबसे पावरफुल पोकेमोन ड्रैकोजा को और ड्रैकोजा के ट्राई अटैक से मेरा कायोगरी पोकेमोन फेंट हो गया और इसलिए ड्रैकोजा को हारने के लिए मैंने अपने सबसे पावरफुल पोकेमोन ड्राइहॉर्न को सेंड किया और मुझे लगा कि रॉक टाइप पोकेमोन फ्लाइंग टाइप को जल्दी हरा सकता है लेकिन ड्रैकोजा फ्लाइंग के साथ साथ एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन है और इसलिए उसने अपने ड्रैगन रश की हेल्प से मेरे राइहॉर्न को हरा दिया और इसलिए रैकोजा को हराने के लिए मैंने सेंड किया मेरे सबसे पावरफुल पोकेमोन गिरिटिना को और उसने आउटरेज की हेल्प से रैकोजा को हरा दिया और सच में यार गिरिटिना बहुत ही पावरफुल है और यहाँ पे लियोन ने सेंड किया रेशिडाम पोकेमोन को लेकिन गिरिटिना के आउटरेज की वजह से रेशिडाम पोकेमोन यहाँ पे फेंट हो गया और यहाँ पर लियोन ने सेंड किया अपने सबसे पावरफुल पोकेमोन पालकिया को और सच में ये दोनों दुनिया के सबसे पावरफुल पोकेमोन है लेकिन पालकिया की ड्राकोमेटिक वजह से मेरा गिरिटिना पोकेमोन फेंट हो गया और इसलिए यहाँ पे मुझे सेंड करना पड़ा अपने सबसे पावरफुल पोकेमोन ब्लास्टोइज को और पता नहीं यार जनरेशन 1 का ब्लास्टोइज पालकिया को हरा पाया गया नहीं लेकिन यहाँ पे मेरे ब्लास्टोइज ने पालकिया को काफी अच्छा डैमेज दिया और पालकिया के ड्रैगन ब्रिज की वजह से मेरा ब्लास्टोइज पोकेमोन फेंट हो गया और मेरे पास बचा था बस आखिरी पोकेमोन और वो था जायग्रेड वो भी 100% फॉर्म और ये मेरी टीम का सबसे पावरफुल पोकेमोन भी है और यहाँ पे जायग्रेड ने आउटरीच की हेल्प से पालकिया को हरा दिया और यहाँ पर लियोन ने सेंड किया अपने सबसे पावरफुल पोकेमोन यवटेल को और सच में ये बैटल कुछ ज्यादा खत्म होने वाला है क्योंकि दोनों ही 7th जनरेशन के पोकेमोन है और ये बैटल के अंदर यवटेल ने यूज किया अपने साइकिक अटैक को और इससे मेरे जायग्रेड को कुछ ज्यादा इफेक्ट हुआ लेकिन यहाँ पे आउटेज और रॉक स्लाइड की वजह से ये मैच जीतता है मेरे जायग्रेड पोकेमोन और फाइनल गाइस ये मैच का विनर रेड टेक्नोब्रीड और गाइस वीडियो देखकर आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट में बताएं और इसका पहला पार्ट और इसके बाकी के चैलेंज को देखना है तो यहाँ पे क्लिक करें और वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले और मिलते हैं अगली और नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।